हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बॉलीवुड में किसी भी एक्टर या एक्ट्रेसेस को करियर बनाना बड़ा ही मुश्किल है। किसी को काम नहीं मिलता। अगर किसी को कोई फिल्म मिल भी गई तो उससे अच्छी खासी पहचान नहीं मिल पाती जिस तरीके की पहचान उन्हें चाहिए। लेकिन बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस ने अपना काम करियर के पीक पर छोड़ दिया जो कि एक वक्त को डायरेक्टर की पहली पसंद मानी जाती थी। हम बात कर रहे हैं यहाँ एक्ट्रेस नीलम कोठारी की। 80 और 90 के दशक में कहा जाता है कि नीलम कोठारी अपने करियर के पीक पर थी। जहाँ कई एक्ट्रेसेस को काम नहीं मिलते थे तो वहीं नीलम कोठारी को कई सारी फिल्में मिल रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी करियर के पीक पर आने पर भी उन्होंने उसको अलविदा कह दिया, इंडस्ट्री को छोड़ दिया पूरी तरीके से। नीलम कोठारी कहती है कि इंडस्ट्री को पीछे छोड़ने की वजह उनका बिजनेस था। वो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 1984 में आई फिल्म सनम के जरिए बॉलीवुड में एंट्री करने वाली एक्ट्रेस नीलम कोठारी आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं। लेकिन तब उनके तमाम फैंस का दिल टूट गया जब सालों पहले अचानक से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। डेब्यू करने के बाद 80 और 90 के दशक में उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। हालांकि जब वो अपने करियर के पीक पर थी तब उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। अब उन्होंने ऐसा करने के पीछे की वजह बताई है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि 80 और 90 के दशक में मैं एक बड़ा स्टार देखा जाती थी, एक बड़े स्टार के तौर पर मुझे लोग देखते थे। लेकिन मैंने उसके बाद इंडस्ट्री छोड़ दी और फिर उसके बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। फिर फैब्यूलस लाइफ के जरिए मैंने धमाकेदार एंट्री की। ये सब बेहद शानदार रहा। मैं खुद को खुशनसीब समझती हूँ जो मुझे ये मौका मिला। मैं बस इतना चाहूँगी कि ये सब रोलर कोस्टर राइड की तरह है। यहाँ तक कि मैंने उतार चढ़ाव भी देखे हैं, मैंने हर चीज़ देखी है। इंडस्ट्री छोड़ने के बारे में नीलम का कहना है कि मैं ईमानदारी से कहूँगी मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी सेल्फ जिंदगी खत्म हो गई है। जब मैं 50 की हुई तो मैं इत्मीनान हो गई थी। बस घर से ऑफिस जाती थी और ऑफिस से घर आती थी और माँ और पत्नी की जिम्मेदारी निभाती थी। फिर मैं धमाके के साथ वापस आई। इससे पता चलता है कि उम्र सिर्फ नंबर है। बता दें कि यह नीलम ने साल 2020 में नेटफ्लिक्स के शो फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइब्स से कमबैक किया था। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इस समय इंडस्ट्री छोड़ी जब मैं टॉप पर थी और सफल एक्ट्रेसेस के लिस्ट में अपना नाम शुमार करवा चुकी थी। देखा आपने कि नीलम कोठारी ने अपने करियर के बारे में क्या कहा, कैसे जब वो अपने करियर के पीक पर थी उन्होंने काम छोड़ दिया। और एक्ट्रेस कहती हैं कि उन्होंने कभी भी ये फैसला नहीं लिया था कि वो दोबारा से इस इंडस्ट्री में वापसी करेंगी, लेकिन उन्होंने नेटफ्लिक्स के जरिए इंडस्ट्री में वापसी की। नीलम कोठारी की फिल्में तो लोग पसंद करते ही थे, लेकिन इनकी कॉन्ट्रोवर्सियाँ भी कम नहीं है। धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल के साथ नीलम कोठारी का नाम जोड़ा गया था। एक वक्त ऐसा था जब नीलम कोठारी का नाम गोविंदा के साथ भी जोड़ा गया। गोविंदा के साथ नीलम की दर्जनों फिल्में थी। कहा जाता है कि गोविंदा के साथ तो सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन ना तो बॉबी देओल के साथ रिश्ता ठहर पाया और ना ही नीलम कोठारी की गोविंदा के साथ शादी हो पाई। इसमें कई सारी रिपोर्ट सामने आई। कहा जाता है, एक रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि नीलम कोठारी की बॉबी देओल के साथ शादी इस वजह से टूटी थी क्योंकि धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि नीलम उनके घर में बहू बनकर आए। तो वहीं एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि नीलम का रिश्ता जो है वो पूजा भट्ट के वजह से टूटा था। हालांकि नीलम ने इस पर क्या सफाई दी है, क्या नीलम सच में पूजा भट्ट को अपनी रिश्ते के टूटने की वजह मानती है, देखिए इस रिपोर्ट। एक्ट्रेस नीलम कोठारी की कॉन्ट्रोवर्सियां भी कम नहीं है। नीलम कोठारी का नाम धर्मेंद्र के बेटे और बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल के साथ जोड़ा गया था। दोनों करीब 5 साल तक रिलेशनशिप में रहे। ऐसे में चर्चा थी कि जल्द ही दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन अचानक से ब्रेकअप की खबर सामने आई और
उसके बाद पता चला कि वो दोनों अलग हो चुके हैं। और कंट्रोवर्सी तो ये भी थी कि बॉबी और नीलम का ब्रेकअप पूजा भट्ट की वजह से हुआ है, वहीं कुछ ने धर्मेंद्र को इसकी वजह बताई। हालांकि इसके पीछे का सच क्या है अभी तक सही सही किसी को नहीं पता था। अब सालों बाद जब नीलम ने अपने और बॉबी देओल के ब्रेकअप पर खुद ब खुद चुप्पी तोड़ी तो इसका असली कारण भी पता चल गया। दरअसल 90 के दशक में बॉबी देओल और नीलम कोठारी करीब 5 साल तक सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन ये रिश्ता लंबा ना चल सका। अब हाल में ही स्टारडक्स को दिए गए एक इंटरव्यू में नीलम ने अपने फैसले के पीछे की वजह बताई। नीलम के मुताबिक उनका और बॉबी देओल का रिश्ता किसी तीसरे की वजह से नहीं टूटा था, बल्कि दोनों ने आपसी सहमति के साथ ये रिश्ता तोड़ा था। नीलम ने कहा कि मेरा विश्वास करिए, इस फैसले का किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस एक स्टार की पत्नी के रूप में अपना करियर खत्म नहीं करना चाहती थी, मुझे बस इसी बात का डर लग रहा था, बहुत डर। उस डर को मैं बयां नहीं कर सकी, मैंने सोचा ये डर शायद अब खत्म हो जाएगा, मैं बाद में कुछ गलत होने के बारे में नहीं सोच सकती थी, इसलिए मैंने बहुत देर से फैसला लिया, लेकिन फिर महसूस हुआ कि अभी भी देर नहीं हुई है। बता दें, बॉबी देओल और नीलम कोठारी के रिश्ते के खत्म होने की पीछे की वजह धर्मेंद्र को बताया जा रहा था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि धर्मेंद्र नहीं चाहते कि बॉबी की शादी नीलम से हो। यही वजह थी कि जब बॉबी ने पिता धर्मेंद्र को अपने और नीलम के बारे में बताया था तो उन्होंने बॉबी को नीलम से दूर रहने की सलाह दी थी। बॉबी अपने पिता की कोई बात नहीं टालते हैं, इस वजह से बॉबी देओल ने नीलम से दूरी बना ली थी, जिसके बाद उनका रिश्ता होते होते टूट गया। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में दावा ये किया जाता है कि बॉबी देओल की जिंदगी में पूजा भट्ट की एंट्री हो गई थी, जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन खुद नीलम ने इन तमाम कहानियों से एतराज किया और इस पर पूर्ण विराम लगा दिया। नीलम का बॉबी देओल के अलावा चिची यानी गोविंदा के साथ भी नाम जोड़ा गया था। दोनों ने एक साथ लगभग दर्जन भर फिल्में की। कहते हैं इस दौरान दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ गई थी। गोविंदा नीलम को दिलो जान से चाहते थे, लेकिन कहा जाता है ये भी रिश्ता ना चला। गोविंदा और नीलम की सगाई की खबरें भी सामने आई थी। गोविंदा भी अपनी माँ की किसी भी बात को नहीं टालते थे और गोविंदा की माँ नहीं चाहती थी कि नीलम उनके घर में बहू बनकर आए। फिर क्या ही था, नीलम से इस वजह से गोविंदा का रिश्ता भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो ये देखा आपने इस रिपोर्ट में कि कैसे नीलम कोठारी के अफेयर को लेकर के अलग अलग रिपोर्ट सामने आई। दो दावे जो हैं वो सिर्फ बॉबी देओल के अफेयर के को लेकर किए जाते हैं, लेकिन अगर गोविंदा की बात कहें तो गोविंदा को लेकर के यही रिपोर्ट सामने आई है कि उनकी माँ ये नहीं चाहती थी कि नीलम उनके घर की बहू बने, जिसकी वजह से उनका रिश्ता भी टूट गया। नीलम कोठारी की शादी इन दोनों के ही साथ होने वाली थी, लेकिन बॉबी देओल के साथ जब रिश्ता टूटा, गोविंदा के साथ जब उनकी सगाई हुई, तब वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में आई थी। उस वक्त नीलम की काफ़ी चर्चे हो रहे थे। ये वही वक्त था जब करियर उनका पीक पर था, लेकिन ना तो शादी हो पाई और ना ही इन्होंने दोबारा इंडस्ट्री में आने की सोची। नीलम कोठारी ने अपने इंटरव्यू में साफ कहा था कि उन्होंने अपने करियर को पीक वक्त पर छोड़ा और दोबारा से पीछे मुड़ने की वो कोशिश नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब वो 50 साल की हुई तो उनके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन्होंने दोबारा से वापसी करने की सोची। उसके बाद नीलम का मानना तो ये है कि उन्हें OTT के जरिए ही एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और लोगों ने सालों बाद भी नीलम कोठारी को स्वीकार किया, जिसके लिए वो अपने आप को काफी खुशकिस्मत समझती है। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।